बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपने अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है। परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लोग हैं। आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राही में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं।